यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हिमाचल सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले 7 एक्सीएन को सस्पेंड कर दिया है। इन लोगों पर डी क्लास के ठेके ए क्लास के ठेकेदारों को आवंटित करने का आरोप है। फिलहाल सरकार ने प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद जांच कमेटी से कमेंट मांगे हैं। करीब 2 साल पहले टेंडर आवंटन की इस अनियमितता में लोक निर्माण विभाग मंडल उदयपुर, जोगिंद्रनगर, बैजनाथ, कुल्लू 1, डलहौजी, कुल्लू 2 और भरमौर के तत्कालीन एक्सीएन चार्जशीट कर दिए हैं। अपने आरोपों का जवाब देते हुए अधिकारियों ने कहा कि आपदा के चलते कुछ काम तत्काल करवाने पड़े हैं। सड़क मार्गों को तुरंत प्रभाव से खोलने, भवन पुलों को आपदा से बचाने के लिए आपात स्थिति में ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर को डी श्रेणी के काम आवंटित किए गए हैं। बहरहाल राज्य सरकार के इस पक्ष से संतुष्ट नहीं हुई है। साथ ही आपको बता दें, लिहाजा लोक निर्माण विभाग के ईएमसी से इस पर कमेंट मांगे गए हैं। विभाग से प्रतिक्रिया आने के बाद राज्य सरकार इस मामले में कानूनी राय भी ले सकती है। इस आधार पर अंतिम कार्रवाई से पहले जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कई डिवीजन में आपात स्थिति के चलते अधिकारियों को मजबूरन निर्माण क्लास ए क्लास के कॉन्ट्रैक्टर से करवाने पड़े हैं। मसलन भारी बारिश के चलते सड़क मार्गों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से आपात स्थिति से निपटने के लिए टेंडर बड़े ठेकेदारों को दिए गए हैं, ताकि जनहित में यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि इसी आड़ में कुछ डिवीजनों में जमकर अनियमितताएं भी हुई हैं।